नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और अभी तक हमने लगभग आप लोगों को बाढ़ के जितने भी अपडेट थे सारे अपडेट हमने दिए। अब बाढ़ के जितने भी अपडेट थे उनको हम साइड में करते हैं और अभी हम जा रहे हैं प्रयागपुर। तो चलो आज हम दिखाते हैं आप सभी को प्रयागपुर के कुछ न्यू सीन। तो सबसे पहले कुछ आप सभी को हम नेचुरल सीन दिखाते हैं। ये देखो, ये है भाई असली नेचुरल सीन। और यहाँ से एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रिज दिख रहा है। ये पुराना है, पुराना का ब्रिज। और ये नहर जो है पुराना का ही है। तो ये नहर जो है पुराना से सीधे प्रयागपुर को जाता है। तो हमने सोचा कि चलिए आज इसी नहर से निकलते हैं और सारा सीन आप लोग दिखाते प्रयागपुर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक ठोकर एक बनाया गया है यहाँ इस नदी पे। और ये सरयू नदी है, आप देख सकते हो किस तरह से है सरयू नदी। तो यहाँ से जो है इधर की पानी का जो लेवल है ये ऊंचा है, और इधर से जो इधर का पानी का लेवल है ना, तो ये काफ़ी नीचा है, क्योंकि ऊंचे वाले हिस्से से पानी आके इस नीचे वाले हिस्से में गिरता है। और इसका जो प्रेशर है पानी का, आप देख सकते हो कितना फास्ट प्रेशर है, कितना ज़बरदस्त। खुशखबरी है, यहाँ पे देखो एक ब्रिज जो है और यहाँ बीच में बनाया जा रहा है थोड़ा सा पुराना से हटने के बाद में। बस इसका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, यही मान के चलो कि जो ऊपर का छत है ये बाकी है अभी। तो ये मिला है यहाँ का पहला ब्रिज इस नदी का। नदी में पानी का लेवल आप देख सकते हो कि अभी जो है इधर का लेवल जो है एकदम ऊँचा है। और इधर एक मार्केट भी पड़ेगा, ये देखो कुछ इस तरह से पड़ेगा भाई साहब मार्केट। और यहाँ एक क्रॉसिंग है, ये देखो छोटी नहरों में पानी भेजने के लिए, जिसे छोटा सा तावा कहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद में अब जो है पानी का लेवल मुझे यहाँ से कुछ कम दिख रहा है। देखो थोड़ा गहरा नदी दिख रहा है इधर से। और एक चीज़ दिखाते हैं आप सभी को, यहाँ से देखो धान की जो रोपाई है यहाँ बहुत धांसू चालू है भाई। तो पुराना से निकलने के बाद में ये है इस नदी का दूसरा तावा, ये थोड़ा सा उससे छोटा है पहले वाले से। और ये रहा भाई इस नदी का दूसरा ब्रिज। तो इसी रोड पे भाई ये रहा, आप देख सकते हो राजा राम शिक्षण सेवा संस्थान। और इसका जो स्थापना वर्ष है यहाँ पे देख सकते हो 2013-2014। ग्राम अहरतपुरवा गुरुचाही और पोस्ट मनिकापुर कला प्रयागपुर बहराइच। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो डिटेल्स है मिल जाएंगे। और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसका गेट है भाई। तो ये रहा भाई तीसरा ब्रिज। ये देखो भाई, ये है एक नेचुरल सीन। यहाँ पे जो है ये लगे हैं खजूर वाले पेड़, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे कुछ लोग जो है धान की रोपाई के लिए मशीन भी लगा के रखे हैं। देखो ये है मशीन, देखो यहाँ पे खड़ी हुई है और इस नहर से पानी लेके और अपने खेतों में डाल दे रहे हैं इस तरीके से भाई। तो यहाँ पे रहा भाई चौथा ब्रिज। यहाँ से जो नदी की पानी आप देख सकते हो कितना घट चुका है। तो अगर हम इधर के फसल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे जो है फसल लगाए गए हैं। ये है भाई धान के फसल, और देखो रोपाई कितनी अच्छे तरीके से हो गई है। और धान की जड़ जो है लगभग यही मान के चलो कि खेत में जो है पकड़ लिया है, तभी इतनी हरा भरा दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा पीला दिखता। और इस एरिया में आप देख सकते हो कि जहाँ तक नज़र जाएगा सब धान की रोपाई खेती आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस नदी के एकदम जस्ट बगल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर मिला है। तो अभी आप देख सकते हो कि नदी का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है, कितना यहाँ से घट चुका है। एक चीज़ और देख लो भाई, कितना बंजर है। देखो नदी के उस साइड में भी और नदी के इस साइड में भी आप देख सकते हो कितना घास फूस लगा है, एकदम बंजर जैसा दिख रहा है। और बरसात के वजह से ये हरियाली और भी बढ़ गई है, क्योंकि जब बरसात नहीं होता है उससे पहले कुछ ऐसे देखो थोड़ा थोड़ा सूखने वाला, और ये सब जो इसकी ऊपरी हिस्सा है सब ख़त्म हो जाती है, मतलब पशु कोई चर लेता है या कुछ पनपने नहीं मिलता है, ऐसा सीन हो जाता है। और अभी देखो बरसात जैसे लगा तो ऐसे इसमें से कल्ले निकलना शुरू हो गए और हरियाली बनना शुरू हो गए। अब ये जितने बढ़ पाएगा ना बरसात में खूब बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बंजर वाला सीन दिखने लगेगा यहाँ पे। तो यही नहीं, पूरे ऑल टोटल जितना भी इस नदी का जर्नी है, जितना भी
सारे सीन ये पूरा बंजर बनेगा। अभी इसे बंजर दिख रहा है पर और तगड़ा बंजर बनेगा। यहाँ पे देखो ये वाले जो फूल लगे हैं, अब ये कौन सा फूल है भाई ये नहीं पता है। देखो ये वाले तो ये और बड़ा होगा, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे इनके और पूरा बंजर बंजर ही दिखने लगेगा, ऐसा कुछ सीन बन जाएगा भाई। तो इसमें जो है कुछ खतरे भी होते हैं। खतरे भाई, खतरे का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ पता है? इसमें ये खतरे होते हैं कि विषैले जानवर भी होते हैं, जैसे मान लो सांप हो गए। सांप कई प्रकार के जहरीले सांप आते हैं, जैसे कोबरा हो गया जो बड़ा वाला जिसे गांव में फेटारा बोलते हैं, सरसोईया गो हो गया और बीज खोपड़ा हो गया। तो एक बार हमारी मुलाकात बीज खोपड़ा से भी हुई थी इसी रोड पे क्रॉस करते समय, और एक बार फेटारे से भी मुलाकात हुई थी। तो हमने देखा है खतरा, इसीलिए भाई आप लोग बता रहा हूँ, जब कभी भी इधर का जर्नी करिए तो बहुत सतर्क रहिए, बाइक वाइक जब चलाइए बहुत सतर्कता के साथ में चलाइए। अब खतरा ऐसे ही होता है कि जैसे मान लो आप बाइक लेके जा रहे हो सीधे सीधे एकदम, और इधर से कोई क्रॉस कर गया, इधर से कोई जानवर या फिर उधर से कोई जानवर क्रॉस करके आ गया आपके गाड़ी के आगे, आप ब्रेक मारते हो, गिरते हो, कुछ भी होता है, तो अगर जानवर निकले भाई तो बहुत सतर्कता के साथ जाइएगा। इस रोड पे एक लोलर भी आ चुका है। तो ये रहा पांचवा ब्रिज इस नदी का, और यहाँ पे देखो ये देखो मशीन जो है चल रहा है, और इसी तरह से देखो जैसे मशीन चला दिए और यहाँ से बम्बा जो है इस नदी में देखो यहाँ पे निकाल दिए, लगा दिए, और नदी का पानी खींच के इनके खेतों में पहुँचा रहा है। तो सबसे बढ़िया आसान तरीका है ये। तो साथ में हमने यहाँ पे देखे कि गिट्टी भी सड़कों पे गिरी है लगभग। तो ये मिला है हमें यहाँ का दूसरा ठोकर, देखो ठोकर इस तरह से है, और ये ठोकर देखो बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा है। नीचे जो यहाँ पे जो पाइप लगाए गए हैं बम्बे में, देखो इस ठोकर पे देखो पानी निकलने के लिए छेद जो बनाया गया है, इसमें से पानी निकल रहा है, बाकी ऊपर से बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ आते आते देखो पानी का जो लेवल है कितना कम हो गया है, और जब उफाल मारता इधर से तभी ऊपर से निकल पाता। अभी बिल्कुल छेद के एकदम देखो होल के एकदम बराबर पानी है, तो होल से ही पानी जितना निकल रहा है उतना निकल रहा है देखो। तो अब हम थोड़ा सा सड़क के बारे में बात कर लेते हैं। ये सड़क जो है यहाँ का सड़क है कुछ इस तरह से, पतला सड़क है, और सड़क जो है बिल्कुल नहर के बगली जो पटरी होती है ना, पटरी पे पूरे जो है डामर रोड बनाया गया है। तो मुझे इस सड़क के बनने का कुछ उम्मीद दिख रहा है, क्योंकि गिट्टी भी मिले हैं सड़क पे, लोलर भी खड़ा मिला है, डंपर भी मिले हैं खड़े। तो शुरुआत में जब जर्नी इधर से करते थे भाई प्रयागपुर का, तो सड़क काफ़ी बढ़िया था, थोड़ा फूटा फूटा दिख रहा है, तो हो सकता है इसीलिए फिर से इसकी रिपेयरिंग हो जाए। ये देखो भाई पानी की लेवल उधर साइड में बिल्कुल लेवल कम हो गया था, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत लेवल बढ़ा मुझे दिखा है, और मस्त हवा भी यहाँ पे चल रहा है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे देखो पड़े वाले ठोकर के पास में भाई। ये है सबसे बड़ा ठोकर, तावा, अभी इसे हम तावा बोले, डैम बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो पानी निकल रहा है ना, एक किस तरीके से निकल रहा है देखो, सब देखो ये लोहे का बना है पूरा का पूरा है, और ये जो है अंदर से पानी निकल रही है देखो किस तरह से, इतना ही लेवल है ना पानी का इसीलिए कम निकल रहा है, जब लेवल ज़्यादा होता है तो बहुत ज़बरदस्त पानी निकलता है भाई। लगभग यही मान के चलो कि अभी हम प्रयागपुर बिल्कुल मान के चलो एक से डेढ़ किलोमीटर बचा होगा, बिल्कुल जस्ट पहुंचने वाले ही। इधर बनी है ऑफिस, और ये पूरा व्यू यहाँ से देख सकते हो कि इस तरह से भाई साहब इसका व्यू है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मेन सरयू नदी है, मेन सरयू नदी जो आया है, और यहाँ से जो है इधर को कट गया है एक सरयू नदी, तो ये पुरैना को होते हुए आगे निकल के गया है, इधर से ये तावा पानी छोड़ता है, और इधर से जो है ये मेन सरयू नदी जो है यहाँ से सीधे चला गया है आगे की तरफ। तो यहाँ से जो ये ठोकर जो है यहाँ से ये वाला ठोकर इधर पानी को क्रॉस करता है, और इस पे ये कुछ ब्रिज बनाए गए हैं जो इस तरह से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके ठोकर के पानी को आप देख सकते हो किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से निकाल रहा है, क्योंकि इस वाले जो मेन सरयू नदी में है ये पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। अभी हम दूसरे तरफ से लेवल आप लोग दिखा रहे हैं पानी का, देखो किस तरह से भाई पानी का लेवल इधर मेन वाले सरयू नदी में है,
तो ये हो गया भाई मेन सरयू नदी, इतनी चौड़ी है आप देख सकते हो। और इधर देखो ये दिख रही है, ये है मेन सरयू नदी, मेन वाले सरयू नदी का जो है आप देख सकते हो ये जो तावा है कितना लंबाई में बना हुआ है, पूरा का पूरा लोहे का डैम और या फिर तावा जो भी अपने भाषा में कह सकते हो इसे। और मेन सरयू वाले नदी के इस डैम को तो आपने देखा बड़ा है, ये जो है पुरैना की तरफ जो डैम गया है, जो तावा मतलब ये क्रॉसिंग गई है, ये नदी थोड़ी सी पतली है इस मेन वाले सरयू नदी से, ये वाला पतला है जो पुरैना की तरफ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है भाई। इस तावा का चौड़ाई आप देख सकते हो, लंबाई चौड़ाई इतना सा है। तो अभी इधर का जो व्यू है कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं सीधे प्यारपुर और आप लोगों को कुछ सीन दिखाते हैं प्यारपुर का भी। तो अभी यहाँ से तमाम जगहों का डिटेल्स और दूरी आप देख सकते हो कि कहाँ की दूरी कितनी किलोमीटर पड़ेगी, और यहीं से आप दूसरे तरफ से भी तमाम जगहों की दूरी और डिटेल देख सकते हो कि कितनी दूरी पर क्या कौन सा जगह कितनी दूरी पर पड़ेगा यहाँ से। और अभी यहाँ से दूसरा भी डिटेल बोर्ड देख सकते हो आप, तो अभी आ गए हैं भाई प्यागपुर। और ये जो है प्यागपुर हाईवे का मार्केट है, और यहाँ से एक बोर्ड दिखा रहा है, ये देख लो भाई, इस बोर्ड में लिखा है नवीन मंडी स्थल प्यागपुर जनपद बहराइच, ये जो है 500 मीटर पे पड़ेगा इधर विशेषरगंज वाले रोड पे, और यहाँ से ये रोड जो है सीधे बहराइच को गया है, बहराइच से बहराइच की जर्नी कर सकते हो। यहाँ पर एक मंदिर है बढ़िया सा, इधर जो है प्रकाश बाबा का गेट बनाया गया है, तो ये देखो बाबा राम प्रकाश प्रवेश द्वार, ये जो है गेट है, आगे मंदिर है। और यहाँ पे एक बढ़िया व्यवस्था हुआ है, यहाँ पे देखो प्यागपुर का एक छोटा सा स्टैंड बनाया गया है, यहाँ पे जो है यात्री लोग बैठ के और गाड़ी का वेट कर सके, लोगों को एक बैठने का जगह मिला है भाई। तो अंदर जो रोड गया है मार्केट तक, इस पर जो बोर्ड मिला है इसका डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ से कि कहाँ की जो है दूरी कितनी किलोमीटर यहाँ से पड़ेगी। तो इस वीडियो में इसी बोर्ड तक का हमारा जर्नी है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाबा राम प्रकाश तोरण द्वार, और इस बोर्ड के बाद में आगे की जर्नी जो है हम नहीं करेंगे, अभी बैक लेंगे, बैक का कुछ जर्नी करना है, कुछ सीन दिखाना है आप सभी को। इधर जो है ऐसे मार्केट मिलेंगे, अगर सामने की तरफ इधर की दूसरे साइड की हम बात करें तो इधर जगह पूरा खाली मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है प्यागपुर, इधर कुछ मार्केट जो है इस तरह से भाई साहब पड़ेगा। तो अभी हम दोबारा से फिर से इसी हाईवे पे आ गए हैं वापस बैक। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो कि तहसील, मतलब कि यहाँ पे तहसील भी है, तो यही रोड जो है तहसील को गई है भाई, यही रोड पतली सी। तो इस रोड पे अगर हम तहसील की बात करें तो तहसील के जो गेट का व्यू है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है तहसील प्यागपुर जनपद बहराइच। तो भाई फाइनली जो है तहसील के बाद में इधर का जो रास्ता है, ये पतला सा रास्ता जो आया था, हमने सोचा था आगे चलिए दिखाते हैं आप सबको। तो यहाँ पर जो है रेल की पटरियाँ जो है इधर से गई हैं, और इधर से रास्ता इंड है। तो भाई अभी आ गए थे हम विशेषरगंज, और अभी जो है इस रास्ते से होके हम निकलेंगे। सबसे पहले यहाँ का डिटेल देख लो, यहाँ पे लिखा है कि बस आके खड़ा हुआ है भाई क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है पुरैना धनोही बाज़ार इकौना बलरामपुर, सबकी दूरी लिखा है कितनी किलोमीटर पड़ेगी। मॉर्निंग, आज वीडियो का दूसरा दिन है, और ये था प्यागपुर का एक नया ब्लॉग, नया अपडेट था जो मैंने सोचा कि चलिए टाइम था दिखाते हैं आप सभी को, तो दिखाया हमने।
आप लोगों को। और इतना ही था इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को अभी ही पेंट करते हैं। तो वीडियो को भाई साहब लाइक कर दो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।